हम क्लास फोर्थ का 7th चैप्टर यूकी एंड द सुनामी रीड कर रहे थे। इसका सीन फर्स्ट हम रीड कर रहे थे। हमने अभी तक ये देखा था कि जो यूकी है वो है समुद्र किनारे रहता है और वहाँ जाकर अपने फल फ्रूट को धोने के लिए जाता है वो वहाँ पर। और वो एक फेस्टिवल, उनकी जो चावल की फसल थी वो बहुत अच्छी हुई थी, इसलिए वो उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही यूकी समुद्र किनारे जाता है अपने फ्रूट्स को धोने के लिए, तो उसको ऐसा लगता है कि जो धरती है वो हिल रही है, और सभी व्यक्ति जो उनके पास होता है उसको नीचे रख देते हैं। और उस वक्त जो धरती का हिलना जो रहता है वो उसी वक्त बंद हो जाता है, तो सभी गांव वालों को हंसी आने लग जाती है। अब हम आगे रीड कर रहे हैं। पहला गांव, फर्स्ट विलेजर कहता है, आई लॉस्ट माई बैलेंस यू। तो फर्स्ट विलेजर सोचता है कि शायद मैंने अपना बैलेंस खो दिया, इसलिए क्या हो रहा था, मैं हिल रहा था। अब वो दूसरे से पूछता है, यू, तुम। सेकंड विलेजर कहता है, आई डिड नॉट, आई एम श्योर फुटेड, नहीं मैं तो कभी भी नहीं लुढ़कता हूँ, या मैं बिल्कुल अपना बैलेंस कभी भी नहीं खोता हूँ। नरेटर, द फर्स्ट विलेजर्स पैट्स द सेकंड विलेजर ऑन द शोल्डर एंड दे लाफ। जो फर्स्ट विलेजर था वो सेकंड विलेजर के शोल्डर पर, कंधे पर थपथपाता है हाथ से, एंड दे लाफ, और वे हंस देते हैं। यूकी कहता है, वेट, इंतजार करो, रुको, द अर्थ मूव अंडर माई फीट, मेरे पैर के नीचे जो धरती है वो मूव कर रही है, हिल रही है। इट वॉज एन अर्थक्वेक, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भूकंप आया है। फर्स्ट विलेजर, ओ यूकी, यू आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ द वर्स्ट, कि यूकी तुम तो हमेशा बुरा ही, सबसे बुरा जो होता है वही तुम हमेशा सोचते हो। सेकेंड विलेजर कहता है, वी हैव नॉट हैड एन अर्थक्वेक फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, हमारे यहाँ पर बहुत लंबे समय से कोई भी भूकंप नहीं आया है। वॉट मेक्स यू थिंक दैट वी आर हैविंग वन नाउ, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि हम यहाँ पर भूकंप आने वाला है। फर्स्ट विलेजर कहता है, यू जस्ट डोंट नो हाउ टू हैव फन, तुम्हें तो आता ही नहीं ये मजा करना या मस्ती करना, तुम जानते ही नहीं हो यूकी, ऑलवेज वर्किंग लाइक योर ग्रैंड फादर, तुम तो हमेशा अपने ग्रैंड फादर की तरह अपने काम में लगे रहते हो। द विलेजर्स रिज्यूम देयर वर्क इफ नथिंग हैड हैपन, जो गांव वाले थे वो सब अपने वर्क में लग गए क्योंकि वहाँ पर उनको लगा कुछ भी नहीं हुआ है। यूकी कहता है, वेट, आई सी द हाउसेज ब्लो हैव मूव, यूकी कहता है कि रुको, जो घर नीचे की तरफ के जो मकान है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हिल रहे हैं। द सी हैज़ टर्न ब्लैक, जो समुद्र है वो काला हो रहा है। इट सीम्स द सी इज़ रनिंग अवे फ्रॉम आवर विलेज, ऐसा लग रहा है कि जो समुद्र हमारे गाँव से भाग रहा है या दूर जा रहा है। टू ऑडियंस, ऑडियंस को दर्शकों को कहते हुए, आई रिमेंबर वॉट ग्रैंड फादर हैड सेड, मुझे याद है कि ग्रैंड फादर ने मुझसे क्या कहा था। इफ़ द सी टर्न्स ब्लैक, यदि समुद्र जो है वो काला हो जाए, एंड गोज अवे फ्रॉम द शोर, वो किनारे से दूर चला जाए, इट इज ए सुनामी, तो यहाँ सुनामी आने वाली है। फर्स्ट विलेजर, लुक द ओशन हैज़ पुल्ड बैक, देखो वो समुद्र वापस अपने आप को खींच रहा है। वी कैन सी पार्ट्स ऑफ द बीच डेट वी हैव नॉट सीन बिफोर, और हम बीच का वो पार्ट भी देख पा रहे हैं जो कि हमने आज तक नहीं देखा था, क्योंकि समुद्र क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है। सेकंड विलेजर, लेट अस गो देन टू द बीच, चलो हम बीच पर चलते हैं। वी कैन कलेक्ट शेल्स एंड हैंग देम ऑन द ट्रीज, वहाँ जाकर हम जो शेल्स हैं, शंख हैं, उनको इकट्ठा करेंगे और उनको पेड़ पर लगा देंगे। इट विल बी द बेस्ट फेस्टिवल, यह बहुत अच्छा फेस्टिवल हमारे लिए होगा। नरेटर, द विलेजर्स रश टू द बीच, गांव वाले सब दौड़कर बीच की तरफ जाते हैं। यूकी वेव्स हिज आर्म्स एंड ट्राइज टू स्टॉप देम, यूकी अपना हाथ हिलाता है और कोशिश करता है कि वो रुक जाए। यूकी कहता है, वेट एवरीवन, आप सभी रुकें, कम, देयर इज अ टेरिबल डेंजर देयर, वहाँ पर एक भयंकर खतरा आ रहा है। ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट दिस हैपन बिफोर ए सुनामी, क्योंकि मेरे दादाजी ने ये कहा था कि सुनामी आने से पहले ये सब होता है। सेकंड विलेजर, व्हाट आर यू सेइंग यूकी, तुम क्या कह रहे हो यूकी, व्हाई आर यू ट्राइंग टू स्टॉप अस फ्रॉम गोइंग टू द बीच टू कलेक्ट शेल्स, तुम हमें बीच पर जाकर जो शंख हैं, शेल्स हैं, उनको इकट्ठा करने से क्यों रोक रहे हो। यूकी कहता है, नो यू डोंट अंडरस्टैंड, नहीं आप नहीं समझ रहे हैं, वी ऑल मस्ट रन अप टू द माउंटेन, हम सबको पहाड़ पर दौड़कर चले जाना चाहिए। नरेटर, ऑल द विलेजर्स एक्सेप्ट द विलेज बॉय लीव फॉर बीच, बस उस बच्चे को छोड़कर
मतलब यूकी को छोड़कर जितने भी गांव वाले थे सब बीच की तरफ चले गए। यूकी येल्स टू टेल देम टू स्टॉप। यूकी ने जोर से आवाज़ भी लगाई जिससे वो रुक जाएं। देन ही स्टॉप, वह रुक गया, फिर खुद ही रुक गया क्योंकि गांव वाले उसकी बात नहीं सुन रहे थे। ही हैज़ एन आइडिया, उसके दिमाग में एक विचार आया। यूकी नोज दैट देयर इज़ ओनली वन वे टू हैव द विलेजर्स मूव टू द माउंटेन क्विकली। यूकी ने दिमाग लगाकर सोचा कि केवल एक ही रास्ता है कि इन सभी गांव वालों को बड़ी तेज़ी से पर्वत पर माउंटेन वहाँ पर ले जाया जा सके। ही टेक्स ए पीस ऑफ वुड एंड बर्न्स इट एट वन एंड रन्स विद इट टू द राइस स्टेक एंड सेट देम ऑन फायर। उसने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और इसका एक टुकड़ा लेकर उसने जो चावल का जो स्टेक्स था, भूसे का जो ढेर लगा हुआ था चावल का, उसको जला दिया। व्हेन ही इज़ डूइंग दिस द विलेज बॉय इज वॉचिंग हिम। जब वो ये कर रहा था, जो गांव के लड़के हैं वो उसको देख रहा था। यूकी ने बोलना शुरू किया, फायर फायर एवरीवन रन टू द माउंटेन क्विक, कि हमारे घर के यहाँ पर आग लग गई है, सभी दौड़कर अब माउंटेन पर पर्वत पर चढ़ें। इसका जो सीन 2 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।